छिंदवाड़ा में कोविड-19 नियंत्रण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने इन दिनों अस्मा एक्ट लागू किया हुआ है। इस एक्ट के अंतर्गत अति आवश्यक सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश है कि वे हड़ताल या फिर इस तरह की कोई भी गतिविधि ना करें जिसे शासकीय कार्य में बाधा माना जा सके, मगर अपनी वेतन विसंगतियों और इत्यादि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 8 दिनों से क्रमिक हड़ताल पर है। मगर आज कार्यालय छिंदवाड़ा से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि स्वास्थ्य कर्मचारी अपने कार्य पर वापस नहीं लौटते हैं तो शासन इन पर एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है जिसमें इनकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती है। जो वर्कर हैं वो पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं और अभी हम देखा है कि कोरोना काल में जो हमारे निचले जो कार्यकर्ता हैं, जो नीचे जमीन पर कार्य करते हैं, जिनके द्वारा गांव-गांव में और अस्पतालों में इतनी सेवा दी गई इनके द्वारा और इतना अच्छा सराहनीय कार्य किया कि हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले तक इनका आभार व्यक्त करते हुए हमारा गला भर आता था और हम इनको जी भर भर के धन्यवाद देते थे, इनको दुआएं देते थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार है ये किस तरीके से काम करती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जिस स्वास्थ्य विभाग के अमले ने आज इतने बड़ी भीषण संकट को झेला है और जिन्होंने इस तरीके से पूरा मुकाबला करके डट के मुकाबला करके और आज इन्होंने हमारे लोगों की जान बचाई है, ऐसे लोगों को आज ज़मीन पर इतनी ठंड में हमारी बहनों को और यहाँ पर आकर और अपना संघर्ष के लिए आवाज उठाने के लिए 8 दिन से यहाँ बैठना पड़ा। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।